परम ब्रह्मे परमात्मा देने हमको प्यार, शिरडी में तो आए हैं ले साई अविता। प्रेम पूर्वक तुम्हें सुनाए, कौन थे बाबा कहाँ से आए ये बातें तुमको बतलाए। शिरडी गांव में कहाँ से आए, शिरडी में ही क्यों रम जाए, शिरडी में क्या बात थी ऐसी जो साईं के मन को भाए। एक बार जो शिरडी आए यहाँ से बाबा लौट न जाए, बाबा तो है ऐसे सागर अद्भुत गहरा जो कहलाए। ना तुमको हम बतलाएं रात 1854 की घड़ी एक पावन कहला, इसी रात में साईं बाबा शिरडी बस्ती में थे। या इस बस्ती में किसी के घर में बाहर से बारात थी, उस बारात में साईं बाबा आए बाराती कहला। उम्र थी उनकी 10 बरस की, सभी लोग अनुमान वहाँ के मेहमान कहाँ चली गई बारात लौट के। बाहर एक पुराना टूटा जो मंदिर कहलाए, बाल रूप में साईं बाबा यही ठिकाना लिए बनाए। दिन निकलत से गांव के बासी जो घूमन को बाहर जाए, वीराने मंदिर में बालक देख देख हैरानी खाए। धीरे धीरे पूरे गांव में चर्चा ऐसी फैली जाए। मंदिर में है कहाँ से आए, सिर पे अंगोछा बांधे पीला, तन पे अंग रखा लिपटा जैसे कोई जपी तपी हो। ए बालक यहाँ पे आ, इसी भीड़ से कोई ने पूछा परिचय अपना हमें बता, कौन गांव से आए हो तुम। जाने कौन गांव बतला जिसने प्रश्न किया बालक से, उसी से बालक एक कह जा कौन है तू, माँ बाप कौन है और कहाँ से तू है यार, तू तो एक जन्म का जाने।
शादी के जान। उस बालक की सुनकर बातें लोग सभी हैरत खाएं। जो भी देखे उस बालक को दोष विकार तुरंत मिट जाएं। मुख पर उसके तेज हैं सा हर कोई ना नजर मिलाए। बस्ती में कुछ लोग थे ऐसे यहाँ पे आके भीड़ लगाए। हंसी मजाक उड़ा कर वो तो बालक को पागल कह जाए। बालक से जो प्रेम जताए मामूली बालक ना समझे। बालक में ईश्वर को पावा गांव के बाहर मंदिर है जो। ए नवाब की बग्घिया लोग हट गए तुरंत वहां से। खड़े से जो वहां भीड़ लगाए मंदिर पास रुकी है बग्घी। और नवाब ने पूछा यार प्यारी घोड़ी घूमी है मेरी। दोगे क्या घोड़ी बतला रंग है काला उस घोड़ी का। ए उसकी पहचान कहाँ माथा उसका है सफेद जूं। लोगों की अभी आवाजाही लगी थी। इसी समय शिरडी के नवाब की बग्घी अचानक उसी पुराने मंदिर की तरफ आ गई। देखिए नवाब साहब क्या करते हैं। बालक पहले मौन रहा, फिर थोड़ा सा चिंतन करके उस नवाब से इतना कहा। वो घोड़ी क्या आपकी ही थी, सच सच हमको देओ बताए। इतना सुन करके नवाब जो आग बबूला हुआ कहा। बालक कहता गुस्सा मत कर, क्यों ना हक गुस्सा दिखलाए। आंखें बंद किया बालक ने, हवा में दाया हाथ हिलाए। अपना हाथ बढ़ा लाल गुलाब था हाथ में उसके। गया नवाब वहां चकरा देकर फूल नवाब को उसने दिया। नवाब को ए बतलाए घोड़ी घूमी जहां से होगी। फूल देना वहां गिरा बड़ी ही श्रद्धा से नवाब ने। फूल वो अपने घर ले आ जहां से भाग गई थी घोड़ी। फूल वहां पर दिया धरती छूते ही घोड़ी में परिवर्तन आ। अगले दिन घोड़ी नवाब की। इसने दिया विश्वास जगाए। बालक पास नवाब न जाके उससे श्रद्धा भाव जताए। अब तो पूरे गांव में देखो इसकी चर्चा बढ़ती जाए। दिखने में है छोटा बालक लेकिन चमत्कार दिखलाए। इस घोड़ी की खोज में पाटिल चैन नहीं एक पल को पाए। जंगल जंगल बस्ती बस्ती दिया है पाटिल को भटकाए।
हैदराबाद राज्य में उस समय एक जिला औरंगाबाद था। उसका एक गांव था धूप। यहां एक पाटिल नामक धनवान मुसलमान रहा करता था। एक दिन औरंगाबाद आ रहा था। रास्ते में उसकी घोड़ी कहीं खो गई, जिसका नाम था याद। कैसे मिली, कहां मिली, देखिए। जो मिलते जाए अपनी घोड़ी याद को पाटिल, हर लोगों से पूछत जाए पाटिल थक के चूर हो गए, फिर भी आगे बढ़ते जा था उनको विश्वास मिलेगी, मन व्याकुल भी ना घबराए अब तो प्यास लगी पाटिल को, चारों तरफ नजर फैलाए सिरडी में तभी गांव के बाहर इस बालक को बैठे मटका, पाटिल ने जो देखा आए बोला बालक पानी दे दो। बाबा सब अनुमान लगाए, फिर भी पूछ लिया क्या तुमको कोई आज मुसीबत आए, परेशान तुम लगते भारी दिल ये तुम्हारा है घबराए, पाटिल ने अब उस बालक को अपना कष्ट दिया बतलाए, मुझको आई मुसीबत ऐसी अब तो कुछ भी सूझे ना, बिना बताए निकला घर से होंगे घर वाले घबराए। मेरा लौटना मुश्किल ना, ढूंढ के घोड़ी को दम लूंगा, चाहे अब कुछ भी हो जाए मेरे भाई की भी शादी है, तिथि पास में जिसकी आए ब्याह की तैयारी करनी है, जिम्मेदारी कहलाए बाबा तो पहले ही जाने, जब पाटिल था यहाँ पे आए बाल रूप में साईं बोले, तू तो बिल्कुल ना घबराए देख रहा हूँ घोड़ी तेरी, कौन दिशा में दौड़ लगा कोशिश करता हूँ मैं देखो। वहीं पे दिया धराए, पाटिल रह गया हक्का बक्का कुछ भी अब तो सोच न पाए, अब जमीन से खींचा चिमटा साथ में अंगारा था यार, और बालक ने चिमटा फिर से वही जमी पर दिया गड़ाए, निर्मल जल का एक फुहारा उस भूमि से फूटा जाए, बालक ने अपने साफे को इस पानी में लिया भिगाए। चिलम पकड़
आए पाटिल ने फिर कथा सुनाई। कष्ट भी अपना था दोहराए, बेचैनी बढ़ गई थी मेरी, उलझन मेरी बढ़ती जाए, आप तो हो खुद अंतर्यामी। देना जल्दी कष्ट मिटाए, हाथ जोड़ कर खड़ा हो गया। बालक से था अर्ज लगाए, बालक ने फिर आंख मूंद कर चारों ओर नजर फैलाए, आंख खोल कर धीरे धीरे बालक मंद मंद मुस्काए, पाटिल से कहते घोड़ी को जैसे घोड़ी रही हुआ है। कहते हैं कि निर्जन वन में कोई चारा रहा चराए, मालिक की आवाज सुनी जो घोड़ी दौड़ी दौड़ी आए। खुशी के मारे आज तो पाटिल मुँह से कुछ भी ना कह पाए, हाथ फेर चुचकार के पाटिल घोड़ी से लिपटा जाए। जताए बालक के चरणों में गिर कर श्रद्धा से था शीश झुकाए, अदा शुक्रिया दिल से करता। बालक का एहसान मनाए, आज तो पाटिल धन्य हो गया। बालक पैदल रहा लुटाए, शिष्य बना गया है बालक का, गुरु था उसको लिया बना। एक दिन हम इस बालक की तुमसे ऐसी बात बताए, नीम के पेड़ की ओरे समय दोपहरिया का कहलाए, मंदिर पास बना था घर जो। बाल रूप में साईं बाबा ने अनेक दुर्लभ चमत्कार दिखलाए, जिनमें से हम कुछ उपकारों की चर्चा करते हैं। उनमें से एक ये है, और रोटी थी लाए। सब्जी रख लेने को बर्तन उस बालक के पास में ना, रोटी पर ही सब्जी रख दे, बालक ने बोला है माँ। सुरत है जान और माई को ऐसा लागा, बालक भूखा ना रह जाए और रोटियां लेकर माई पास नीम के पहुंचिया। यहाँ जो देखा एक रोटी के टुकड़े छह थालिए बना, एक टुकड़ा बालक ने खाया, बाकी कुत्तों को खिलवाए, आवारा अनजाने कुत्ते। बालक पास रहे मणिरा, रोटी दिया थमाने जिसके
के तुझे भाग बना जिसका एक ही टुकड़ा तुमने रोटी लो तुम खाए। इतना सुन के बालक बोला खाना था जो लिया है खाए। अब मैं कुछ भी ना खाऊंगा मुझको भूख रही अब ना। खाना चाहे अगर ये कुत्ते माई इनको दे खिलाए। तभी माई ने पूरा खाना कुत्तों तरफ दिया सरकाए। बालक ने पूछा कुत्तों से कुत्तों ने सर दिया हिलाए। कुत्ते वैसा करते जाए शाम हो गई उठ गया बालक। कुत्ते जग गए पूछ हिलाए शाम हो गई और मंजित में दे रही जो आवाज सुनाए। बालक ने बोला कुत्तों से बालक जो आदेश लगाए बालक जैसा कहता जाए। चर्चा फैली जाए एक दूसरे से हर कोई बालक की बातें बतलाए। साधारण इंसान नहीं है बालक अद्भुत ही कहलाए। देवताओं का अंश है ये तो देवता जैसा काम दिखाए। यहाँ जानवर भी तो जिसका कहना कोई टाले ना। वो बोले तो पानी पीते वो बोले तो सुनके पास में आ उस बालक की आंखें देखी। एक निराली बात बताए गांव के बाहर एक खंडर है। बालक आसन जहां जमाए साथ में थे कुछ कुत्ते उसके। पढ़ता वहां नवाज कहां है मुसलमान होगा वो कोई। देता अपनी राय सुना तभी दूसरा भागा भागा। एक आदमी भी शिव की स्तुति गाए शिव मंदिर में बैठा है वो। मुसलमान कोई बतलाए। हिंदू लोगों ने सोचा है अगर
पर ए बालक मस्जिद जाए। मंदिर में फिर वो दोबारा बिल्कुल भी ना आने पाए। और मुसलमानों की भी तो बालक पर एक ही राय। पढ़ने को नाबाज मस्जिद में बालक को अब मिलेगी ना। ए मालूम हो जाए यही सोच के दोनों दल के लोग इकट्ठे हुए हैं। आए मिलके सारे लोग चले हैं। जहां भी वो बालक मिल जाए हिंदू और मुसलमानों की शंका आज अभी मिट जाए। गांव के पंडित और मौलवी चले साथ में करने न्याय। मंदिर ही आएगा बालक एक बल मस्जिद जा पाए। आज सामने कई लोगों के करेंगे निर्णय ये तत्काल। अगर नहीं मानेगा बालक गांव से निकालने के लिए बालक को अनेक लोग ढूंढ रहे थे। ढूंढते ढूंढते जब खंडहर में बालक को देखा तो सबके होश उड़ गए। आखिर क्यों सोचिए। पड़ा हुआ था जो वीरान स्थापित हो गया वहाँ पर शिवलिंग भारी आज महान। जगन बगन लग रहा है खंडर हुआ नया जैसे निर्माण। पंडित और मौलवी अब तो हुए देख उसको हैरान। बैठा शिवलिंग निकट के बालक शिव स्तुति का करता गान। बोल रहा इस लोक मुखागर जैसे पंडित और विद्वान। होगा अब व्यवधान लगे भौंकने भीड़ देख के क्योंकि नए थे वो इंसान। शांत रहो बालक ने बोला कुत्ते गए हैं कहना मान। कुत्ते सारे शांत हो गए माने कहना शिष्य समान। भीड़ और नजदीक पहुंच गई। लोग थे बालक से नाराज वहां पुजारी विश्वनाथ ने बालक को मारी आवाज। कौन हो तुम क्या धर्म तुम्हारा कौन जात हो तुम कहलाओ। काम है क्या और कहां से आए। देंगे तुम्हें निकाल। इतना सुन के नम्र भाव से बालक ने था दिया बताए। साई नाम है मेरा सुनिए मानव मेरी जाति कहाँ है। मानव सेवा धर्म है मेरा ईश्वर के घर से हुआ। इतनी ही पहचान है मेरी और जो पूछो तो बतलाए। ना तो हिंदू ना तो मुस्लिम नहीं फारसी में कहलाए।
धर्म नहीं है। यहाँ अधर्मी वो कहलाए, ऐसे किसी अधर्मी के हम यहाँ न टिकने देंगे पांव। हम सब ने ये लिया है निर्णय, अभी छोड़ दो तुम ये गांव। बालक का अपमान देख के बोले गोविंद राव रघुनाथ, तनक भी चिंता आप करो ना। उठिए चलिए मेरे साथ बाल रूप साईं बाबा को, गोविंद राव गए पहचान। अद्भुत शक्ति है बालक में। विश्वनाथ ही रहे यहाँ पर मंदिर, उनको छोड़े जाए। श्रद्धालु गोविंद राव ने लिया है बालक संग लिवाए। एक पुरानी द्वार कमाई दिया है मस्जिद में पहुँचाए। ए मस्जिद वीरान पड़ी है, देख देख तो होती ना, क्योंकि मुस्लिम लोग यहाँ के दौलत से कमजोर कहाँ। पिंडी दिया लखा काली एक विशाल शिला को, शिवलिंग का ही रूप बना। उस दिन से हर रोज यहीं पर कोई कच्चा दूध चढ़ा, कोई हिंदू श्रद्धा पूर्वक। कुछ कुछ आते जाएं और कोई तो बेमतलब ही बाबा को आके अजमाए। आश्रम का ही एक भक्त है जिसकी घटना तुम्हें सुना। एक रोज आश्रम के पीछे लगा था वो तो घास हटाए, घास में काला नाग छुपा था। भक्त को लेकिन नजर नया, धोखे से उस भक्त को उसने एक ही झटके में डस जाए। चक्कर खाने लगा भक्त वो, जहर बदन में बढ़ता जाए। भक्त दूसरे वहां जो बैठे,
पास लिया बुलवार, कहे जहर से जल्दी उतर जा, घुटने से थे हाथ फिराए। जहर उतरने लगा है नीचे, ऊपर को चढ़ने की बजाय, अगले ही पल वहाँ फर्श पर नीली बूंदे गिरती जाए। वहाँ पे जितने लोग खड़े थे अचरज सारे लोग मनाए, साईं का आदेश जहर भी सबने देखा टाले ना। झपटते फैली जा इस प्रकार ख्वाती साईं की, दूर दूर तक बढ़ती जा साईं बाबा को दमोल कर। निस दिन घर से खाना लाए, बड़े प्रेम से अपना खाना साईं बाबा को खिलवाए, एक रोज साईं से मिलने। लोग इकट्ठे पहुँचे आए, भाई दुपहरिया भीड़ छटी ना। साईं बाबा को इस स्थान पर लाने वाला गोविंद राव रघुनाथ दामोलकर था, जो प्रतिदिन साईं बाबा के लिए अपने घर से खाना लेकर आता था। लेकिन एक दिन क्या हुआ देखिए। सभी ने खाए, लेकिन है अचंभा सभी को, पेट सभी का है भर जाए। एक निवाला खा कर ही सब पेट में अपने हाथ फिराए। तपस्या जाने ना, पीला चोला धारण करके कोई तपस्वी ना बन पाए, साईं को तो जिन लोगों ने पास में आके देखा ना, तरह तरह की दुविधा उनके। लेकर मन में प्रेम आस्था बाबा के आश्रम में आए, अपनी उलझन अपनी विपदा साईं बाबा को बतलाए। साईं कृपा से फिर वो अपनी सारी पीड़ा यहाँ मिटाए। एक डॉक्टर बंबई का था, श्री पाल था नाम कहा उसका, था जो एक ही बेटा
में जो बिल्कुल ना आए, खूब इलाज कराया उसने, लेकिन कष्ट गया है ना, चेक कराया जब बेटे को तब इतना मालूम हो जाए ब्लड कैंसर है बेटे को। ला इलाज इमर्ज कहाँ, जितना बना इलाज कराया आशा, लेकिन नजर नया टूट गए बेटे के गम में। कुछ भी उनको सूझे ना, श्रीपाल की पत्नी जिसका यशोधरा है नाम कहा, इसकी बहन थी जो शिरडी में। जल्दी से आ जाए बालक योगी शांत, यहाँ पर ऐसा चमत्कार दिखलाए, रोग मिटाए व्याधि हटाए बीमारी से मुक्त कराए। अगर भरोसा करके कोई दुखी कोई शिरडी आ जाए, बालयती के चमत्कार सुन श्रीपाल शिरडी थे आए। कैंसर के रोगी बेटे को साई शरण में दिया लिटा। कैंसर के रोगी बेटे को साई शरण में दिया लिटा। चलती धूनी से साई ने भस्मी थोड़ी लिया उठा, मूर्छित रोगी को साई ने थोड़ी भस्मी दिया चटाए, और एक चुटकी भभूत को मल दिया उसके तन पर जाए। कुछ मिनटों के बाद रोगी अपने पूरे होश में आ, नींद से जागा खड़ा हो गया और फुर्ती से दौड़े लगा, जैसे कुछ भी हुआ ना इसको। वैसा खुद को ये बतलाए माता यशोधरा पिता डॉक्टर, श्री पाले हैरत खाए, साई नहीं साधारण मानव। दृष्टि सदा बनाए, धन कर दिया हमें आपने, दिया है कुल का दीप जलाए। खुशी खुशी बेटे को लेकर श्रीपाल बंबई को जाए, साई बाबा को भक्तों से दिन भर में जो मिलता दान, हर दिन सबको बांट ही देते हर भक्तों को एक समान। बाबा के असीम भक्तों में श्री तात्या पाटिल भी हुए हैं। इनके द्वारा साईं ने विभिन्न हिंदू मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया, मूर्तियां स्थापित कराई, वो इसलिए। करते थे कल्याण बड़ा ही प्यारा बड़ा ही न्यारा, साईं बाबा का परिधान जो भी नजर मिलाता इनसे, खींच ही लेते इसका ध्यान। सिर पर छोटा कपड़ा बांधे, कमर में धोती ले लिपटाए, और साथ में अंग रखा भी। साईं बाबा को है भाई, शिरडी का है मुसलमान था, जिसका कोई नहीं सहा,
की निर्धन को कहलाए, खोया था गहरी उलझन में। ज्यादा नहीं कमाए, मुसलमान होने का मैं तो लूंगा कैसे फर्ज निभाए। इस जीवन का कर्ज है भारी, अगर मैं हज को जाऊं ना, नूर मोहम्मद नाम है उसका, मुस्लिम धर्म रहा अपना। सच्चा मुसलमान कहलाए, अपनी हालत देख देख के ए तो खूब रहा पछता, एक रोज बेचैन पड़ा था और था दिल उसका घबरा। इसे देख बेहाल किसी ने दिया है इसको अपनी राय, साई की तुम शरण में जाओ, देंगे कोई राह बताए। साई एक चमत्कारी है, चमत्कार कोई कर जाए, सोच नहीं सकते हो तुम तो, बाबा ऐसे काम बना। इतना सुन के नूर मोहम्मद देर तक माना ना, सुस्त पड़ा साईं चरणों में, दिया था उसने होश गमाए। अचंभा रहा सुना, अभी अभी मैं मक्का में था, लिया मजे से दर्शन पाए, भीड़ हाजियों की थी भारी, गिनती जिसकी बता न पाए, करके मैं दीदार जो लौटा, होश मुझे फिर यहाँ पे आए। किया करिश्मा है साई ने, हज मुझको जो दिया करा, मुक्त हो गया हर पापों से, फिर पूरे ने लिया साई का दास बना। सिटी में ही एक और हिंदू का रहता था वो परिवार, ये परिवार बड़ा ही निर्धन, धन दौलत पे था लाचार, जाति इसकी बलबोरे थी, अजय कहे मुखिया का नाम, एक दुकान किराने की थी जिससे चलता घर का काम। ऐसे अनेक दुखियों को साई ने धन्य किया है, उनके जीवन को भक्ति के अमृत से सराबोर किया है। बाबा के एक और निर्धन भक्त की घटना देखिए।
कहा बाबा भी तो अजय के ऊपर अपनी करुणा दया लुटा। एक दिन तो अजय के मन में था विचार तीरथ कर आए, कहता है साई बाबा से आपकी जो अनुमति मिल जाए। इतना कह के लगा सोचने कैसे हम तीरथ कर पाए, नहीं किराया पास हमारे। कहते साईं बाबा धीरज मन में रखो बनाए, गंगा धाम के दर्शन तुमको जल्दी से दूंगा करवाए। तीर्थ करने निकल पड़ेंगे अगला गुरुवार जो आए। अजय ने बोला होगा कैसे, समझ में मेरी कुछ ना आए। अजय बाद में घर जो आया देख ग्राहक हैरत खाए, भीड़ लगी थी आज तो भारी, इतने ग्राहक कैसे आए। जाए दिन दूनी और रात चौगनी, अजय की बिक्री होती जाए। एक साल में जितनी बिक्री अजय वहां पर था कर पाए, हफ्ते भर में आज तो हो गई। अजय की देखो उतनी आए, खुद को ही जाना था लेकिन चला गया पूरा परिवार गंगा धाम तीरथ के दर्शन। बच्चों को भी दिया कराए, व्यस्त हुआ धंधे में दिया साईं को भी विश्राम। महीनों हो गए साईं के द्वारे, अजय पर ना कर पाए। भीड़ लगी उसकी दुकान में, वो ग्राहक से घेरा कहा। तत्या जल ना वापस लौटे, साईं वहां खुद पहुंचे आए। तीन बार आवाज लगाए, ध्यान अजय ने दिया है ना। देख गया बोरा, भूल गया है साईं की सेवा। अब तो सेठ रहा कहलाए, मगर दूसरे दिन से अचानक ग्राहक उसके घटते जाए। हाल हुआ ऐसा कुछ दिन में, बोहनी दिन दिन होती ना, बंद हो गए हैं दुकान भी, खाने को लाले पड़ जा, एक भी दाना नहीं था घर में। पत्नी उसकी थी घबराए, गुरुवार है याद आ गया, पत्नी ने उसको दी राह, बाबा का प्रसाद बटेगा।
किसी ने फिर अपना दुखड़ा बाबा से ही दिया बताल। अजय पड़ा साईं चरणों में रो रो करके व्यथा सुनाए, सिर पर हाथ रखा साईं ने और अजय को ये समझाए, तो पैसा क्या देखा तुमने ईश्वर को ही दिया भुलाए। भूल गए तुम धर्म भावना, धन के मद में थे इतराए। खुद को अगर लगाए मान करो साधु संतों का, धन दौलत सब लोगे पाए, आशीर्वाद है मेरा तुमको। सुनो अजय तुम ध्यान लगाए, कमी न होगी किसी चीज की, मेरी बातें लो अपनाए, उस दिन से तो आज तलक भी। अजय के घर में कमी न आए, चलती है दुकान सीढ़ी में, साईं कृपा से खूब कमाए, धूनी में होते अद्भुत चमत्कार बतलाए, बड़े भाग्यशाली हैं वो तो।